नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली मशीनों के बारे में बताएंगे। ये मशीनें इंसानों के हुनर और ताकत का प्रतीक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ला प्रिंसेस लिवरपूल इंग्लैंड में एक शानदार मैकेनिकल स्पाइडर है जिसका लंबाई करीब 50 फीट है। ये एक आकर्षण स्ट्रीट परफॉर्मेंस का हिस्सा था और लोगों के लिए एक अनोखा अनुभव प्रदान करता था। इस मकड़ी को चलाने के लिए 8 लोगों की जरूरत है, जिसे ये एक मजेदार और दिखावे का हिस्सा बनता। इसका रूप और साइज लोगों के मनोरंजन के लिए यादगार दिन था और ये एक अलग प्रकार की रचनात्मकता का प्रतिभावान करता था। ला प्रिंसेस ने अपने बड़े और खूबसूरत रूप के साथ लिवरपूल की गलियों में लोगों को प्रभावित किया और उनके दिलों में जगह बनाई। नंबर 2 पर है 500 एपर्चर गोलाकार रेडियो टेलीस्कोप, जो कि फास्ट के नाम से जाना जाता है। ये चीन में स्थित है और इसकी डिश की लंबाई 500 मीटर है। फास्ट एक प्रकार का रेडियो टेलीस्कोप है जो अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नलों को सुनता है और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है। इसकी बड़ी डिश के साथ विशेष रूप से रेडियो तरंगों का पता लगाने की क्षमता होती है, जिसे हम ब्रह्मांडीय घटनाओं और दूर की खगोलीय वस्तुओं के अध्ययन में सहायता पाते हैं। फास्ट एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में नए गहन अध्ययन के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 3 पर है टाइफून क्रेन, जो एक शक्तिशाली क्रेन है जो ऑफशोर ओनाइल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को बनाना और मेंटेन करना चाहता है। इसका उठाने की क्षमता किसी भी काम के लिए इंप्रेशन बनाने वाला है, क्योंकि ये 20,000 मीट्रिक टन तक का बोझ उठा सकता है। इस तरह के शक्तिशाली और बड़े क्रेन की मदद से अपतटीय तेल उद्योग के तथ्यिक दृष्टिकोण से काम किया जा सकता है और उनका महत्वपूर्ण भाग बन जाता है जब बड़े बोझ को शिफ्ट करना होता है या अपतटीय संरचनाओं को अपग्रेड करना होता है। नंबर 4 पर आता है बर्था टनल बोर, जो सीटल यूएसए में एक टनल बोरिंग मशीन थी। इसकी लंबाई 326 फीट थी और इसे एक 2.7 मील लंबा सुरंग बनाया गया था। बर्था टनल बोर का मुख्य उद्देश्य टनल बनाना था और ये काम में सफलतापूर्व कामयाब रही। इस तरह के सुरंग बोरिंग मशीनों के इस्तेमाल से लंबी और जटिल सुरंगों को बनाने में काफी मदद मिलती है और ये प्रकृति जमीन के अंदर बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। आखिरी पर नंबर 5 है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि ISS। ये हमारा सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है जो स्पेस में ऑर्बिट में स्थित है। इसमें अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहते हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। ISS का आकार और जटिलता दुनिया की मशीनों में एक अलग ही दर्जा रखा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतिनिधि है, जिसमें अलग अलग देशों के अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक मिलकर अंतरिक्ष में अध्ययन करते हैं। ISS अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष में रहने के लिए महत्वपूर्ण स्थल है और ये हमारे समझने के लिए कि कैसे हम अंतरिक्ष में जीवन संभाल सकते हैं एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये दुनिया के 5 सबसे बड़े और शक्तिशाली मशीनें जो इंसान ने बनाई हैं। मशीनों की बड़ी ताकत और करिश्मा आज भी हम सबको प्रभावित करते हैं। अगर आपको ऐसी मशीनों के बारे में पता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।